गुड आफ्टरनून बेटा, सॉरी मेरा माइक बंद था तो इसलिए आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा कौन कहेंगे, सारे बच्चों को एक्शन करके हाँ दिखाई। म्यूट है, म्यूट है। हाँ नहीं अब तो ऑन कर दिया मैंने, अब आवाज आ रही है। बोलो सबने। कैसे बोलते हैं? हांजी। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अब मैं दोबारा पूछूंगी, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। कौन से सेंटर में नहीं आ रही? मालवाड़ी सेंटर में नहीं आ रही है? आ रही है ना। वेरी गुड। ऑल राइट, तो क्या हम तैयार हैं? ये बाकी बच्चे भी खड़े हो जाओ, मारवाड़ी सेंटर और ये दूसरा रामनगर सेंटर, खड़े हो जाइए। थोड़ा जोश लाए करेंगे। मैं आपको लेटर बोलूंगी, आपने उसका फॉर्मेट और एक्शन करके दिखाना है मेरे को, ठीक है? ओके। और ये माया मैम के बच्चे कहाँ हैं? जिनका मैम था, मैम थोड़ा कैमरा पड़ जाएगी, जब तक देखेंगे नहीं। ओके अब आपने ये देखना है, जो मैम है वहां पे वो ये देखेंगे कि क्या बच्चे सही एक्शन और सही पॉइंट्स यहाँ पर निकाल रहे हैं, पर मुझे ये रामनगर के बच्चे नजर नहीं आ रहे। हाँ ओके। लेटर कौन सा है ये? इसकी एक्शन क्या है? इसका एक्शन और आवाज क्या है इसकी? वेरी गुड। लुक इतने सारे बच्चे और मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है, इतने सारे बच्चे। सिर्फ मालवाड़ी सेंटर से आवाज आ रही है, वेरी गुड। बाकी दो सेंटर से तो मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ मालवाड़ी नजर आ रहे हैं बस। वेरी गुड। और इसका साउंड क्या है? और एक्शन क्या है? एक्शन मारना नहीं है, ऐसे हमारा। अरे आगे भी देखो, आगे जिसके सामने। हाँ इसका एक्शन टीपी नहीं, क्या है? क्या था इसका सॉन्ग? पफ ऑफ द कैंडल्स ऑन द पिंक पिंक केक, पिंक पिंक केक, पिंक पिंक केक। ठीक है, वेरी गुड। और हमने एक और साउंड किया था, कैसे है? क्या साउंड और एक्शन है? वेरी गुड शिवाय, एक्शन करना है हमने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि ये क्या बना? वेरी गुड, वेरी गुड। साउंड, ओनली साउंड, लेटर का नेम नहीं, लेटर का। अब दोबारा देखेंगे, सेंट के साथ, सेंट के साथ ये कौन आ गया? टैंकी, टैंकी। सैट, कौन आया इसके साथ?
वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा ये क्या बना? और ये वेरी गुड. और अगर ये आगे चला तो चला गया तो आगे लग गया तो वेरी गुड. अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बैठ जाओ. तो क्या आज हम एक नया साउंड सीखने के लिए तैयार हैं? पहले ऐसा करते हैं, पहले एक कहानी सुन लेते, पहले एक कहानी सुन ले उसके बाद सीखेंगे, ठीक है ना? ठीक है. अच्छा, और इस कहानी में जो वर्ड मेरे बच्चों को नहीं समझ आओ या जो वर्ड जिसका मतलब आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे बच्चे? देखेंगे. क्या करेंगे? वेरी गुड. पूछेंगे. तो जैसे ही कोई वर्ड स्टोरी में आए जिसका मतलब नहीं पता हो तो क्या करेंगे? ऐसे हाथ उठाएंगे तो मैम देखेंगी, तो मैम बोलेंगी हाँ बोलो, पूछो बेटा. ठीक है, ओके. तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था, गुड आफ्टरनून गगन. गगन? यस मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. अच्छा चलो, तो एक एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था लोकेश. क्या नाम था? लोकेश. लोकेश के पास एक पेट था. क्या था? सबको समझ आ गया इतना? अच्छा कौन बताएगा मुझे पेट क्या होता है? पेट क्या होता है? हाँ एक बच्चा बोलो, इतने सारे बोल रहे हो तो समझ नहीं आ रही. शाबाशी. मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक लड़का था जिसका नाम लोकेश था, उसके पास एक पेट था. मैंने पैट नहीं कहा, मैंने तो पेट कहा. पैट और पेट, उसके पास कुछ था. पैट तो हमारे पास नहीं हो सकता, पैट तो हम किसी को करते हैं, शाबाशी तो हम किसी को करते हैं, है ना? तो पेट क्या होता है? पालतू जानवर. हाँ वेरी गुड. पालतू जानवर. पेट पालतू जानवर, लेकिन ऐसा जानवर जो हमारे लिए काम नहीं करता है पर हम उसे रखते हैं क्योंकि वो हमें प्यार करता है, हम उसे प्यार करते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं. जैसे कि कोई किसी को डॉग पसंद है तो वो अपने घर में डॉग रखता है, किसी को कैट पसंद है तो वो अपने घर में कैट रखता है, किसी को बर्ड पसंद है, पैरट पसंद है, वो अपने घर में पैरट रखता है, किसी को फिश पसंद है तो वो एक फिश बोल में फिश रखता है ना? लेकिन लोकेश को पता क्या पता था पसंद था? लोकेश को, लोकेश का जो पेट था वो था एक माउस. क्या था? माउस को हिंदी में क्या कहते हैं? चूहा. वेरी गुड. चूहा पसंद था तो उसने अपने घर में एक पिंजरे में, एक सुंदर से पिंजरे में एक चूहा रखा था. लेकिन वो बहुत ध्यान रखता था कि इसका दरवाजा खुला ना रह जाए, क्योंकि अगर दरवाजा खुला रह जाए तो क्या होगा? भाग जाएगा. और भाग जाएगा तो क्या करेगा?
उड़ उड़ उड़ेगा और फिर लोकेश अकेला भी तो हो जाएगा ना उसके बिना, उसके कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन वैसे जानवर को पिंजरे में रखना अच्छी बात नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, पिंजरे का दरवाजा जो था क्या हुआ, वेरी गुड। लोकेश तो उसने बंद करना ही भूल गया, उसने खाना डाला और बंद करना भूल गया तो दरवाजा खुल गया और चूहे ने इधर उधर देखा और उसने देखा अरे लोकेश तो कमरे से बाहर गया, तो उसने जल्दी से क्या कर दिया, और वो लोकेश के कमरे में कभी अलमारी पे कभी बेड के नीचे कभी कुर्सी पे तो कभी टेबल पे, और जो लोकेश का सामान टेबल पे था वो इधर से उधर गिरता गया, इधर उधर फैल गया। और उसी टेबल पे एक पड़ी हुई थी इंक पॉट, क्या पड़ी हुई थी, और इंक पॉट कौन मुझे बताएगा क्या होता है, स्याही, स्याही जिस बोतल में होती है ना उसको इंक पॉट बोलते हैं। तो वहां पे स्याही भी पड़ी हुई थी क्योंकि लोकेश पढ़ रहा था तो उसने चाही की बोतल का ढक्कन खोल के रखा था, उसे अपने कलम में स्याही भरनी थी। तो ऊपर नीचे पुदकते पुदकते तो चूहे से क्या हुआ, वो स्याही की बोतल गिर गई। और जैसे ही वो स्याही की बोतल गिरी, लेकिन गिरी भी कैसे, चूहे ने मेज से छलांग मारी, कुर्सी पे आया और सारी स्याही, सारी स्याही उसकी क्या हो गया, और कहने लगा अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे मेरे पे तो स्याही लग गई। फिर दीवार के साथ गया तो ऐसे रगड़ा, फिर उस तरफ मुड़ा तो ऐसे रगड़ा, फिर पीछे मुड़ा तो ऐसे रगड़ा, लेकिन स्याही उतरी ही नहीं। क्या हुआ, स्याही उतरी नहीं। और तो घबरा गया कि अब लोकेश आएगा तो बहुत गुस्सा करेगा, तो चुपके से इधर उधर देख के वापस अपने पिंजरे में चला गया कि इससे पहले कि मुझे डांट पड़े अपने पिंजरे में वापस चला गया। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि कभी कोई गलती हो जाए गड़बड़ हो जाए फिर चुप करके अपने कोने में अपने घर में जाके बैठ जाओ कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं हमेशा पकड़ जाते हो क्या गड़बड़ करने में, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो आप बहुत अच्छे बच्चे। तो चूहा वापस पिंजरे में चला गया और जब लोकेश आया उसने अपने कमरे का हाल देखा, कागज यहाँ से वहां और इंक भी जगह जगह फैली थी, अरे ये क्या हो गया ये कैसे हो गया। और ऐसे जब अपने चूहे की तरफ नजर पड़ी कहता अरे चूहे मियां ये तुम्हारे पीठ पे क्या लगा, वो तो चुप करके बैठा रहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो चूहा करने लगा ती, 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 ती। क्या करने लगा, लगा। ती, ती। आप भी बोलो जरा मेरे साथ साथ, चूहा क्या करने लगा, ती, 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 ती। ऐसे हाथ को भी ऐसे करेंगे ई ई ई, हाँ कहने लगा ई ई ई, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया ई ई ई। और लोकेश ने कहा अरे चूहे मियां तुमने तो बदमाशी की है, तो आज से मैं तुम्हारा नाम ई द माउस, उसके ऊपर इंक गिरी थी ना, दवात को इंग्लिश में क्या कहते हैं इंक, स्याही को इंग्लिश में क्या कहते हैं इंक, तो क्योंकि उसके ऊपर इंक गिरी हुई थी तो उसने उसका नाम क्या रखा, ई द माउस। क्या नाम रखा, और जब उस माउस के ऊपर इंक गिरी और उसका रंग बदल गया तो क्या किया उसने, क्या किया ई ई ई, बोलिए सारे मेरे साथ साथ बोलेंगे और ऐसे भी करेंगे। तो ये हमारे नए लेटर का फोनिक साउंड और एक्शन है। इ इ इ इ
कौन सा लेटर है ये? जे 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 कौन सा है? जे का मुंह तो इस तरफ होता है बेटा, ये तो आई है, क्या है? आई। तो आई का साउंड क्या है? ई नहीं ई। क्या साउंड है? और एक्शन क्या है? हाँ, जैसे चूहे की मूंछें होती है ना, उनमें भी इंक लग गई तो करता है ई ई ई। कैसे? तो क्या हम ई के वर्ड्स सीखने को तैयार हैं? फिर वही हाँ, क्या बोलते हैं? ये हुई ना बच्चों की, स्मार्ट बच्चों की बात, जब कोई बात सिखाए तो एक बार में सीख ली हमने। वेरी गुड। क्या है ये? और इसका साउंड और एक्शन मुझे कौन करके दिखाएगा? शिवाय, साउंड और एक्शन करके दिखाइए ई आई का। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है। ऐसे ऐसे नहीं है बेटा। शिवाय सामने देखो, मेरी तरफ मैम को देखो, मुंह के पास, जैसे हमारी मूंछें होती है ना, बिल्ली की मूंछें होती है, चूहे की मूंछें होती है, तो मूंछें कैसी होती है? शिवाय मुंह से आवाज निकालेंगे। अभी बाकी सारे बच्चे चुप रहेंगे, सारे बच्चे चुप रहेंगे, मुझे सिर्फ शिवाय की आवाज सुनेंगे। शिवाय करिए जरा, आवाज नहीं आई। वेरी गुड। और इसमें देखो, मेरी तरफ देखो शिवाय, जब मैम करती है तो शर्म आती है क्या इसमें? कहानी सुनाने में, डांस करने में, बोलने, जब सीखना हो कुछ तो शर्म आती है? सब हम सीख रहे हैं। जो एक्शन में करूंगी, जो मैं बोलूंगी आपको बोलने, तभी हम सीखेंगे बेटा। क्या बात, गुड बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए, क्या हम रेडी हैं? अभी आवाज नहीं आई मुझे किसी की भी। और
ऑल ओवर द डेस्क, इंक है पूरे टेबल में फैल गई. भीग गई है. लड़ना नहीं है बेटा, बातें नहीं करनी है. सामने देखो, ये मालवाड़ी सेंटर. बेटा आपकी मैम कहाँ है? मैम इधर ही हूँ मैं. मैम आपको, आप पीछे कुर्सी लगाइए जहाँ पे मैं आपको देख सकूँ. ठीक है. Inky the mouse is my pet. She's filled the ink and confet. The ink is spread all over the desk. Inky's wet. Okay, ये हमारा था. और हिंदी में से क्या कहेंगे? वेरी गुड. चाही इंक को, इंक को हम बोलने से पहले हम बोलेंगे इंग. ओके, पहले हम साउंड बोलेंगे आई का, उसके बाद हम वर्ड बोलेंगे. अच्छा अब ये बताइए कि इंग हिंदी में स्याही. ये क्या है? इंकपॉट. यस, ये है इंकपॉट. और इंकपॉट को हिंदी में क्या कहते हैं? इंकपॉट को क्या बोलेंगे? जवाब मुझे सुबह भी मिला था. स्याही पॉट नहीं बेटा, इसे हम दवात कहते हैं. क्या कहते हैं? हाँ गगन, आप बोलिए. दवात क्या बोलते हैं इसको? इंक पॉट हिंदी में दवात. अच्छा ये क्या हो गया इसको? फीवर. तो जब हमें फीवर होता है तो हम क्या होते हैं? जब बुखार होता है तो हम क्या होते हैं? क्या बोलते हैं जब मैं पूछती हूँ बेटा कल स्कूल क्यों नहीं आया, तो आप बोलते हैं मैं क्या था? फीवर था. फीवर में हम लोग क्या होते हैं, क्या बोलते हैं? हम ये तो बोलते हैं फीवर है, पर हम क्या होते हैं? बीमार. क्या होते हैं? और जब हम बीमार होते हैं हिंदी में तो बीमार नहीं, इंग्लिश में क्या होता है? क्या होता है? आप क्या है ये? क्या वर्ड है? मैम मेरी आवाज आ रही है क्लियर? इल यानी के हार. इल हिंदी में ये क्या है? इग्लू. वेरी गुड. ये क्या है? इग्लू. इग्लू. इग्लू आपको पता है कहाँ बनता है?
हमारे दुनिया में हमारे जमीन पे कई लोग ऐसे बर्फीले इलाके में रहते हैं जहाँ सारा साल बर्फ रहती है, तो उससे वहां पे वो लोग क्या करते थे, वहां पे बर्फ से ही वो अपने घर बनाते थे। क्या करते थे, बर्फ से अपने अपने घर भी वो बर्फ से अपने बड़े मोटे मोटे उससे बनाते थे। तो इस बर्फ के मकान को हम क्या बोलते हैं, इग्लू। क्या बोलते हैं, इग्लू। इग्लू हिंदी में भी इग्लू। क्या है, बोलिए शिवाय, बोलिए कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। आया मैम। हाँ मैम। बच्चे कुछ बोल रहे हैं या कुछ दिक्कत है? नहीं, दूसरे बच्चे है ना बड़े, उनका आवाज आ रहा है, उनको बोला है अभी शांत बैठो। बेटा सुनना जरूरी है। तो ये सब क्या है, ये हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है? सबने बोला तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स। क्या बोलते हैं, पहले क्या बोलेंगे, इंसेक्ट। क्या है ये, इंसेक्ट। वेरी गुड, इंसेक्ट, वेरी नाइस। कीड़े मकोड़े। ये पिक्चर तो मैं चेंज कर, ये क्या पिक्चर है, ये जब लगता है हमें, लगता है सुई से किस किस को डर लगता है, मुझे। होए, और किसको डर लगता है सुई से, वो देखो कितने बच्चों के हाथ उड़ गए। ये देखो छाया मैम के बच्चों को सुई से डर नहीं लगता, ये सब बहादुर हैं, है ना। यहाँ तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, इनको डर नहीं लगता, इनका कनेक्शन थोड़ा गड़बड़। हाँ, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। वैसे तो बेटा इंजेक्शन जो होता है वो लगने को बोलते हैं, इंजेक्ट। इंजेक्ट मतलब जब हम किसी में सुई से या किसी चीज में कुछ डालते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। जो ये है, तो ये चीज है जिसे हम सिरिंज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें हम दवाई भरते हैं, इसमें हम सिरिंज कहते हैं दवाई। और फिर जब हम इसको लगाते हैं, वो जो सुई लगाना होता है उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। वैसे इसे हम इंजेक्शन नहीं कहते हैं, जब कम इसे हम सिरिंज कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरिंज। बोलिए एक बार मेरे साथ, सिरिंज। वेरी गुड। और इसे जब हम लगाते हैं तो उसे कहते हैं इंजेक्शन। इसकी पिक्चर मैं चेंज कर दूंगी क्योंकि ये पिक्चर सही नहीं है। इंजेक्शन हिंदी में इंजेक्शन। ये क्या है, ये है, ये भी एक तरह की चिपकली है, इसको क्या बोलते हैं, एलिगेटर। नहीं देखी जी, ये है इग्वाना। क्या है, इग्वाना। क्या बोलते हैं इसे, इग्वाना। वेरी गुड।
इग्वाना, हिंदी में गोधा, हिंदी में इसे हम गोधा कहते हैं, क्या कहते हैं? गोधा, हिंदी में इसे गोधा कहते हैं, इंग्लिश में इसे इग्वाना कहते हैं। ऑल राइट, और ये क्या है? लेकिन जो बेबी छोटे होते हैं कि एक महीने वाले, तो क्या बोलते हैं इसे? छोटे बेबी को जो बिल्कुल छोटा होता है जिसे हम कहते हैं इन्फेंट, क्या कहते हैं? इन्फेंट। अच्छा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, उठा लो उसको मुझे इन्फेंट, हिंदी में बच्चा, शिशु, बालक, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं इसे हम? इन्फेंट। एक बार मैं तो, एक बार ये मालवाड़ी सेंटर वाले बच्चे बताएंगे क्या बोलते हैं इसे। इन्फेंट, मालवाड़ी सेंटर वाले बच्चे बोलेंगे खाली, क्या बोलते हैं? इन्फेंट। बोलिए दोबारा, बोलिए इन्फेंट। वेरी गुड गगन। संगमवाड़ी सेंटर आपकी बारी, आप बोलिए। इन्फेंट नहीं, इन्फेंट, छोटा, लंबा नहीं, खींचना नहीं है आपसे, हमें गाना नहीं गाना है, हमें हमें छोटा करना है। इन्फेंट क्या है? इन्फेंट। वेरी गुड, इन्फेंट। और इसको हम, ये छाया मैम, जरा छाया मैम, ओके, दो मिनट फायर मैम का वेट करते हैं, बच्चे भी ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर से। अच्छा है, अब तो चलिए आप संगमवाड़ी सेंटर बताइए मुझे क्या है ये? इन्फेंट नहीं, इन्फेंट, इन्फेंट। दोबारा बोलिए, इन्फेंट। वेरी गुड गगन। शिवाय क्या है ये, क्या बोलेंगे इसको? इन्वर्ट। वेरी गुड। के बच्चे माइक ऑन करिए, बच्चे बताएंगे इसको क्या बोलते हैं? छोटे बेबी को आप, जो बिल्कुल छोटा बेबी होता है उसे हम बोलते हैं इन्फेंट, क्या बोलते हैं? इन्फेंट, इन्फेंट, इन्फेंट।
इसमें एक की आवाज, इसमें ए की आवाज नहीं आती है। देखो ए जो हमारा ये वर्ड है, ये वर्ड है, इसमें ए तो लिखा है पर इसमें ए की आवाज आती नहीं है। ठीक है, आप इसमें एम्बल इन्फन फन इन्फन फन इन्फेंट का मतलब, इन्फेंट का मतलब छोटा बेबी, हिंदी में हम बोलते हैं शिशु, बच्चा, बालक। बेबी है उसकी, सीधा बैठो बेटा, चलिए ये तो हमारा खत्म हो गया। अब सारे बच्चे खड़े हो जाओ, बड़ी देर से बैठे हो, खड़े हो जाओ। चलो अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों को? Class, who would like to do problem 3 on the board? जो इसमें हो रहा है वही आप करिए। Please don't be me. Healthy music for a child's heart, body and mind. Move and Freeze from the award-winning CD Brain Boogie Boosters by the Learning Station. Come on, move and freeze. Come on, move and freeze. Come on, move and freeze. Come on, move. Put your right hand on your left knee, your left hand on your right. Your knees move in and out, your hands stay tight. Now keep on with your moving, but switch hands on your knees. Keep on moving in and out till we say freeze. Come on, move and 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 freeze. Put one hand across your shoulder, one hand across your back. Now jump in place. Do you like it like that? Yeah! Now switch hands across your shoulders and switch hands across your back. Now just be nimble, just be quick, just like Jack. Come on, jump and freeze. 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 Everybody shake your body from your head down to your feet. And don't stop shaking until we stop the beat. Shake it to the east and shake it to the west. Shake it, shake it, shake it with my friends who are the best. Come on, shake and freeze. 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 Put your right hand on your head, your left on someone's knee. Now turn once in a circle and buzz like a bee. Now turn the other way, don't let go or lose your spot. Keep turning left, keep turning right until the music stops. Come on, turn and freeze. 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 All right, you can move now.
शिवाय कहाँ है? मैम फिर आप लीव कर सकते हैं क्लास को, अगर वो सो रहे हैं तो आप लीव कर सकते हैं क्लास को। ऑल राइट तो ऐप और मिलके क्या बना? ऐप क्या बना? ऐप। वेरी गुड। और अगर मैं इस ऐप खेलने का नहीं, क्या आगे मेरी गलती क्या बन गया? आप इसको साउंड के साथ पढ़ेंगे। पहला साउंड मैम क्या बना? क्या है ये? अच्छा ये बताइए ये क्या बना? Yeah! Yeah! नहीं है।
और ये मिल गया तो क्या बन गया? और ये मिल गया तो क्या बन गया? एक और लिखूंगी मैं, ये है तो क्या है, क्या साउंड है? और ये साथ में मिल गया, ये साउंड हमने आज किया, क्या बन गया? क्या बना? वेरी गुड क्या बना? वेरी गुड। और ये क्या बन गया? नहीं, क्या बना मतलब? आप ये बताइए सैड और सिट में क्या फर्क है? सैड और सिट में क्या फर्क है? आई का फर्क तो है, लेकिन क्या इनके मतलब में भी फर्क है? बताइए तो क्या फर्क है, कौन बताएगा मेरे को? वेरी गुड। ओके बताओ क्या फर्क है? कौन बताएगा? हाँ, तो जरा अपने दोस्त को पैट करिए।
पैट योर फ्रेंड पैट यस शिवाय बोलिए बोलिए शिवाय बोलिए शिवाय पैट का क्या मतलब हुआ शाबाशी देना वेरी गुड वेरी गुड चलिए इसके साथ ही आज की क्लास खत्म हम कल मिलेंगे मैं आपको काम भेजूंगी जैसे मैं रोज भेजती हूँ वैसे काम भेजूंगी दो मिनट रुकेंगे शिवाय दो मिनट रुक जाइए तो कल मिलेंगे ऑल राइट ओके बेटा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बाय 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 I will leave you coming.